नोली गए जयूएफए काबे गालबोल करण लाय तैयार ना है ना जे तरफ मामला वजन पे अवा जो छात जियो आए न ते महराज मुझे ख्याल यो आए त 20 सितंबर ते इस्लामाबाद में जका ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी भी उन में ही पीडीएम जन्म वरतो बुनियादी तौर से मुझे अंदाजो यो आए त पीडीएम के अंदर जो जमायतूँ उन्हें पीडीएम जो क्याम कम में आंदो पर भुजन यो घुर्बो हो तो नैरेटिव दिनो वो जो नजर यो हो तो पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है उनको खात्मो थुर्जे ये लगो थे तो पाकिस्तान एक नए फेज में दाखिल थी रो पाकिस्तान आईन की बालादस्ती की जो तहरीक हुई उनमें दाखिल थी रो पर मुख्य अलग को हाँ यह सूरत लगे थी तो उनकी जगह प्रॉपर जो तैयारी होजन घुर्जे आ होम ग्राउंड से जो कम थियन घुर्जे उन अग में यो सजो ऐलान किया वो हाँ पीडीएम एक गाल से इनका इनकार ना है तो पीडीएम पाकिस्तान के अंदर आईन की बालादस्ती के हवाले से जो नारो हो उनके सजे मुल्क के अंदर पजीराई मिली है मुल्क जो वड़ी पार्टियों जो इन नारे से गद बीठल पर मौके से जैसे मुल्क के अंदर कोविड हो खुद मुल्क के मानू के लिए यो इशू हो तो उनके जलसन में शामिल कर इन सारी सूरत अंदर को जो वर्किंग थियन घुर्जी है या नी एक यो बो त पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से गाल न करण जो ऐलान किया वो हुकूमत के खिलाफ ऑलरेडी ऐलान किया हो पीडीएम पर हाँ जो सूरत यह थी वही तोट किया होंद गुजरल हफ्ते मुल्क के अस्करी इदार के सरबराह की जो वजीर आजम से मुलाकात थी उनमें जो बिन्हीं सरबराह की बॉडी लैंग्वेज हुई वह काफ़ी टेंसिव हुई उन सिलसिले में मुझा जरिया बुझाइन था तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के यह गाल कही तो अवा मुसलसल जै तरीके से जो एग्रेसिव नेस है वह किया पाया उनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी हालतों इमरान खान जैसे जरा इशारो दिन ये भी खबर आई तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी में भी वो हथ हुकूमत जो हो कें कें तरीके से तो थी वही जो मामला खराब थी वन एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के विच में हलन पाया बिल्कुल ख्वाजा असल में ख्वाजा आसिफ तक याद हों 2018 के इलेक्शन में यो खुद उन एतराफ किया त जे रात तो बी वगे आर्मी चीफ के फोन की इन में मुराद ही है तो उनका एतरा तालुका हुआ तो आर्मी चीफ से गाल सके तो मकसद शहबाज शरीफ है ख्वाजा आसिफ है या नून लीग के अंदर कुछ अड़ा मून जे चाहन था तो विचियों रस्तों कटन घुर्जे तो पाकिस्तान जै पोजिशन से मौजूद है माशी तौर से उनकी सूरत हाल खराब है खारजा पॉलिसी उनकी बिल्कुल इन हुकूमत की नाकाम थी चुकी है उनके नतीजे में जैसे समूरा रस्ता पीडीएम बंद करे थी आउं समझा तो का अड़ी सूरत ना है जैमें तक रस्ता कटना पौधा तो इन सजी सूरत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हाँ इन पोजिशन में आए मुझो अंदाजो यो है तो शायद तुम ऐसो ईंदड़ दिन में पंजाब अंदर शायद का अड़ी सूरत पैदा थे इन हाउस तब्दीली दा का गाल वे सागी सूरत बलूचिस्तान असेंबली की असा नजर अचे थी तुम ऐसो इन वक्त हजारा के मानून से जो वाक्य बलूचिस्तान में बलूचिस्तान जो सीएम असा किथे नजर नो अचे असल में यो वे में वो फैलियर है तो इन सारी सूरत में जिते पीडीएम के लिए परेशानी पी जाए पे आए पर हुकूमत के लिए परफॉर्मेंस भी एक वो सवाल है नासिर साहब अवा बुधाए जो जो गाल कई पे खट्री साहब जाहरी तौर से शुरू डी का वी मोरन साहब जो ये मौकुफ रो है इन हुकूमत के तस्लीम न कजे गुजरियल साल अस इस्लामाबाद में मार्च भी दिठोसी फैसलन में जल्दबाजी न थी छो तो हाँ मरियम नवाज साहबा की यो ख्याल आयो है मौसम ऐसी फैसला क्या वह पे ये बुधा पे वे तो 31 ते इस्तीफा ना आई तो इस्लामाबाद जो रुख कबो तो जल्दबाजी फैसलन में न थी आए मां समझा तो फैसलन के हवाले से जो अग कथ्यू कई पे वन कबल वक्त पीडीएम जेका फैसला किया है उन फैसलन ते पीडीएम ताहाल बरकरार ए मौजूद ए मुतफिक मसलन इस्तीफाओं डेणी हैं इस्तीफाओं के फैसले ते पीडीएम अजा ती मौजूद ए मुतफिक है इस्तीफाओं डेणी कदन वह डेट अनाउंस कर बाकी लॉन्ग मार्च करण है उन फैसले ते पीडीएम ताहाल मौजूद है उन फैसले का कोई इनराफी नी लेकिन लॉन्ग मार्च कदें करो उन डेट जो अनाउंस करो है इस्तीफाओं के हवाले से फैसलो बरकरार लेकिन तारीख बाकी लॉन्ग मार्च करो है लेकिन तारीख बाकी तारीख जो अनाउंसमेंट ना थो जैसे इस्तीफाओं नियन
तो अवां जो सवाल हक पर जानिब आहे जेकरे लॉन्ग मार्च नथो थे तो अवां जो इहो चवण इहो अवां जो चवण जरूर में हिस्सो उहो फैसलो पीपल्स पार्टी जो सामो मुख्तलिफ पार्टियूं आहिनि पीडीएम जे अंदर मुख्तलिफ दस्तूर मुख्तलिफ मंशूर रखण वारियूं पार्टियूं आहिनि हर एक पार्टी जो हिकड़ो पंहिंजो नज़रियो आहे हर एक पार्टी हिकड़ो पूरो होमवर्क करे पीडीएम जे अंदर अचे थी पई ऐं पंहिंजो नज़रियो रखे थी पीपल्स पार्टी हिन इजलास जे अंदर इहा शइ रखी त जेकॾहिं इस्तीफ़ाऊं ॾियो ऐं इस्तीफ़ाउनि जे करे फ़ाइदो न थिए यानी ॿीहर ज़मीनी इंतिखाबात कराया वञनि त ऑप्शन छा रहंदो ऐं जेकॾहिं सेनेट में माहौल ख़ाली छॾियो वञे ऐं सेनेट जे लाइ असां इस्तीफ़ाऊं ॾियूं ऐं हिसो न वठूं ऐं जेकॾहिं सेनेट जा इंतिखाबात नथा रुकजी सघनि कानूनी तौर ते उन्हनि जी काई रुकावट नथी थिए सेनेट इंतिखाबात हुकूमत कराइण में कामयाबु वञे थी त टू थर्ड मेजोरिटी मिली वेंदी सेनेट में पीटीआई खे ऐं सुभाणे जेकॾहिं उहे 18वीं आईनी तरमीम खे ख़तमु कनि था ॿिया बिल पास कनि था त पोइ तव्हां छा कंदव हिकु आहे असांखे इमरान ख़ान खे घर मोकिलिणो बजाए न थिए जो असां इमरान ख़ान खे घर मोकिलियूं पाण घर वेही रहूं ज़ाहिर आहे ॿिन्ही पहलुअनि ते पीडीएम संजीदगी सां गौर करे रही आहे ऑप्शन जो इस्तीफ़ाउनि जो ऑप्शन बरक़रार आहे लॉन्ग मार्च जो ऑप्शन बरक़रार आहे ईंदड़ पीडीएम जे इजलास में इन चेते गौर कयो वेंदो क़बल इस वक़्त को अहिड़ो फ़ैसिलो नाहे थियो जिते पीटीआई पीडीएम खे परेशानी खणी पई हुजे मां सम्झा थो जेका बि फ़ैसिला थिया आहिनि तमामु पार्टियूं मुतफ़िक़ आहिनि ऐं इनशाला तव्हां ॾिसंदो त मुस्तक़बिल में पीडीएम पंहिंजनि इन्हनि फ़ैसिलनि खे इनशाला ज़रूरु अंजाम ताईं पहुचाईंदी चलो ठीकु आहे ज़ाहिरा इहो वक़्तु ॿुधाईंदो बेग साहब खां सवाल कंदासीं जेका हिन वक़्तु रिट जी ॻाल्हि थिए पई उन हवाले सां अब ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु पीडीएम जी तहरीक अॻिते हलंदड़ आहे हुन में लॻे ईअं पियो त हुकूमत परेशान नज़र न पई अचे पर खटी साहब जेका हिकु अहम पॉइंट कई आहे उतां पाण शुरूआति कंदासीं बेग साहब खां हिते वक़्तु ब्रेक दर्शन प्रोग्राम में एक बेरो बीर भली कर बेग साहब आप बताइएगा आप जो खट्टी साहब ने बात की ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन वाली रात उनकी बातचीत हुई थी आर्मी चीफ साहब से और फिर जाहिर है जो पिछले दिनों कुछ मुलाकातें हुई हैं और वो ऐसे बंदे थे जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी थे नेशनल डायलॉग की बात भी उन्होंने की थी और इतना एनएसआर पीपल्स पार्टी पर ना करने वाली बात भी नून लीग की तरफ से उन्होंने की थी वो ऐसे बंदे थे जो जाहिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे उनकी गिरफ्तारी क्या वाकई अब कोई आपको रिट नज़र आ रही है अब हुकूमत के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ आपसे मिराज हम ये भी कह सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ का शुमार जो था पार्टी में उन लोगों में होता था जो मफामत की एक पॉलिसी को लेके चल रहे थे मतलब यानी कि हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं हॉक्स भी होते हैं और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि जी एक मफामत की पॉलिसी को लेके चलो तो ख्वाजा साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो मफामत की पॉलिसी को टो करते थे और कोशिश करते थे कि किसी तरीके से चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेरिएट नहीं हों मगर उनको डेफिनेटली उनकी एक अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी थी ख़ासतौर पर वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके थे बाजवा साहब से उनकी एक वो थी और ये बीच में खुद ही मतलब बाजवा साहब ने ये बतलाया था कि उनकी कॉल वगैरह भी आई थी जब इलेक्शंस में तो एक उन्होंने कंप्लेन उनसे ज़रूर की थी कि सर हमारे इलाके में ये हो रहा है तमाम चीज़ें तो कहने का मकसद ये है कि उनको अरेस्ट करने का मकसद यही है कि किसी तरीके से तमाम वो लोग शहबाज शरीफ के साथ भी यही था कि उनको कहा जाता था कि मुफामत की एक पॉलिटिक्स को वो लेके चलते हैं अगर इस तरह के तमाम लोगों को आप वो करेंगे तो डेफिनेटली और इसका मेन करने का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो हैं और एक ज़्यादा पोजीशन ख़राब कर दी जाए बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और नून के बारे में ताकि बिल्कुल उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे एक दूसरे से तमाम चीज़ें नहीं रहें तो हुकूमत जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है ताकि किसी तरीके से ये डायलॉग की जो बात हो रही है ये मतलब इससे पॉलिसी तो क्लियर ना हुई ना मरे में एक बात करें फिर डायलॉग के बाद ऐसे लोग हों फिर उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर खान साहब को भी तो अंदाजा होगा ना इस चीज का कि ये लोग हैं जो ट्रैक पर ला सकते हैं जिस ट्रैक पर अभी मैं चल रहा हूँ सब देखिए एक पार्टी के अंदर डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं ठीक है मगर फैसला कौन करता है वो तो फिर सब उसको एक्सेप्ट करते हैं मगर अपनी राय जरूर देते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि आसिफ की गिरफ्तारी ऐसे मौके पे जो ख्वाजा आसिफ की हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी इससे हालात जो हैं और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अच्छा खट्टी साहब अवां बुधाए जो जेका असांखे बड़ी खुदाबख्श वारे जलसे में जरदारी साहब जी तकरीर हुई ऐं इहा ॻाल्हि करणु त कुझु असांखां बि सिखो ऐं डिक्टेटर जो जेको जरदारी साहब हवालो ॾिनो उनखां पोइ असांखे शयूं तब्दील थींदे बि नज़र अचनि पियूं
खेणपुआ दुरानी साहब जी मुलाकातुन जो हुए या शायद खाकन अब्बासी साहब उन ढी जहरा उतार वाया हुआ हुकूमत के लिए परेशानियों जन नजर अचन पे मुख्तलिफ तरीकन से एम क्यूम पांजी गाल पई करे फंक्शन लीग जीडीए वारा पांजी गाल पे कन हन वक्त असा के इन तरह जो तब्दीलियों थींदे भी नजर अचन पे छा समझो पे आ हाने एस्टेब्लिशमेंट डा जेके राबता आन या जिता सिलसिलो टुटो हो वो वधे पियो पीडीएम जो जी बिल्कुल पहिरीं ॻाल्हि इहा त आउं तव्हां सां हिकिड़ी ख़बर इहा बि शेयर करे वञा त जी पाण पहिरीं ख़्वाजा आसिफ़ जी गिरफ़्तारी जी ॻाल्हि कई थी हिकिड़ी ॿी ख़बर मार्केट में इहा गर्दिश करे थी त ख़्वाजा आसिफ़ जी गिरफ़्तारी हिकिड़े मनसूबे जो हिसो आहे छाकाणि त शहबाज़ शरीफ़ ऑलरेडी जेल में आहे ख़्वाजा आसिफ़ जॾहिं नैब तहवीद में हूंदो त उन सां मुज़ाकरात करण जे हवाले सां के माण्हू अचनि था के वञनि था इहे शयूं सभु पथे परदा रहंदियूं छाकाणि त ख़्वाजा आसिफ़ शहबाज़ शरीफ़ खां पोइ नून लीग जे अंदरि वाहिद अहिड़ो माण्हू रहियो आहे जंहिं वटि लीडरशिप खे क़ाइल करण जो उन वटि हुनर आहे ऐं उनजे करे वज़ीर दिफ़ा बि रहियो आहे पर इहा ॿी ॻाल्हि आहे त वज़ीर दिफ़ा असल में ख़्वाजा आसिफ़ खे मियां नवाज़ शरीफ़ असल में जेका हुनजी शुरू खां पारित कई आहे उनमें इन करे हुनखे कयो त जी दिफ़ा जी कुवत हुनखे ॿुधाए सघिजे त आउं पंहिंजी मर्ज़ी जो माण्हू रखणु चाहियां थो पर उनजे बावजूदि ख़्वाजा आसिफ़ जा जेके असर आहे ख़्वाजा आसिफ़ जो उहो पिंडी ते काफ़ी उनखे क़ाबिले क़बूल मञियो वञे थो त हिकिड़ो त इहो आहे त इहा ॻाल्हि पंहिंजी चाहे ते हिकिड़ी आहे छाकाणि त इहा ॻाल्हि ज़हन में रहे त इमरान ख़ान जे चवण ते गिरफ़्तारी ख़्वाजा आसिफ़ जी जेकॾहिं पिंडी वारा न चाहींदा त शायदि इहो न थिए आहे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ॿी ॻाल्हि इहा त ज़रदारी साहबु पहिरीं ॾींहं खां हिन पोज़ीशन में आहे त उहो चवे थो त शयुनि खे आहिस्ते आहिस्ते तव्हां हलायो हिन वक़्तु तव्हांखे यादि हूंदो त जी सूबरे साहिबु ॻाल्हि त कई त असां इस्तीफ़ान जो तारीख़ जो ऐलान कोन कयो हालांकि इहा सभिनि खे ख़बर हुई त 31 दिसंबर ते समूरनि मेंबरनि सां इस्तीफ़ाऊं घुरियूं वयूं आहिनि ऐं चयो वियो त 31 दिसंबर जनवरी खां पोइ हुनजी अनाउंसमेंट थींदी छाकाणि त इस्लामाबाद में जनवरी शदीद सर्दी जा ॾींहं हूंदा आहिनि फरवरी हूंदा आहिनि इन सॼी सूरत हाल जे अंदरि लॉन्ग मार्च मुमकिन कोन हुयो क़ौमी असेंबली जी हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त हिकु महीने खां वधीक अर्सो थी चुको आहे अपोज़िशन रिक्यूज़ेशन न कई आहे हालांकि इहे समूरा मामला पी डी एम जी तहरीक जेकॾहिं हले थी उनजे विच में गैप आहे गुज़ारा आहिनि जलसनि जे विच में गैप आहे त क़ौमी असेंबली जो इजलास रिक्यूज़ेट करे उते मुख़्तलिफ़ मामला डिस्कस करे सघजनि था गोड़ करे सघिजे थो ऐं उनजे हवाले सां तव्हां मीडिया में रही सघो था पंहिंजे फोरम ते इहे ॻाल्हियूं रखी सघो था पर पी डी एम जे पारां हिन सिलसिले में का बि अॻभराई न थी आहे ज़रदारी साहब जो इशू इहो आहे त ज़रदारी साहब शयुनि खे ॿिए एंगल सां ॾिसे थो मौलाना फज़ल अहमान साहब बुनियादी तौर ते हिन सिस्टम जो हिसो कोन हो मियां नवाज़ शरीफ़ कोन हो ज़रदारी साहब सिस्टम जो हिसो आहे उन वटि सॼी हिकिड़ी सिंध जी हुकूमत आहे ऐं 12-13 सालनि खां उहो हुकूमत में तंहिंजे करे हुनखे अंदाज़ो आहे त सिंध में जेके एस्टेब्लिशमेंट जा पुराणा इतादी आहिनि उहे गुज़िरियल एतिरे अर्से खां वांदा वेठा आहिनि जेकॾहिं उन्हनि जी हुकूमत वई त पोइ हिननि खे शायदि वरी वारो बि न मिली सघे सो ज़रदारी साहब चाहे थो त एस्टेब्लिशमेंट खे गॾु खणी हलजे उनखे अखियूं बि ॾेखारजनि ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ी हद ताईं पंहिंजो स्पेस ऐं स्टेक बि क्रिएट कजनि जेको पीपुल्स पार्टी जा असांखे नज़र अचनि पिया नासिर साहब अवां ॿुधाइजो जेका सूरत हाल आहे चौधरी बिरादरान जे हवाले सां हुजे या मौलाना फज़लुर रहमान आज़ादी मार्च खां पोइ असां ॾिठोसीं चौधरी बिरादरान साम्हूं आया ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं पोइ यकीन ध्यानुनि ते अची मामिलो पहुतो मार्च में वरी उहे न थियूं त वरी पी डी एम जो क़याम थियो मौलाना साहब खे सरबराही ॾिनी पई चवां सम्झो पिया त ही जेके जमातूं आहिनि पीपल्स पार्टी जे हवाले सां जीअं खट्टी साहब ॿुधायो पए त ख़ासि करे पीपल्स पार्टी इन ई तरीक़े सां अॻिते हलंदी हू सिंध हुकूमत जी बि क़ुर्बानी ॾींदी इस्लामाबाद बि हू वेंदा जीअं चयो वेंदो उहो उन्हनि शयुनि ते अमल कंदा सियासी तहरीकुनि में जदोजहद करणु ऐं ऑन ग्राउंड रहणु मैदान में रहणु हिकु तमामु वॾी अहमियत जो हामिल हिसो हूंदो आहे हिकिड़ी अपोज़िशन जो किरदारु उहो आहे त तव्हां फ्रेंडली अपोज़िशन जो किरदारु अदा कयो
एकड़ो अपोजिशन जो किरदार हुआ तो तवा ऑन रोड रही करे अवाम में रही करे पंजे अपोजिशन जो किरदार अदा कयो मां समझा तो पीडीएम जो बुनियाद पीपल्स पार्टी जी सदायल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पयो यो क्रेडिट पीपल्स पार्टी के वने तो पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमात उनके पंजी अपेसी में इमरान खान जी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद कयो पीडीएम छण का पो पीडीएम जे अंदाज में तहरीक हलाई है तवा जलसा खणी दिसो तहरीकू खणी दिसो उन हवाले से मां समझा तो तमाम घनी पजीराई हासिल कई है जैसी तीन ताल्लुक है हुकूमत के घर भेड़े करण जो या पंजो टारगेट अचीव करण जो यकीनन हर एक सियासी पार्टी वट पंजा पंजा पत्ता है खट्टी साहब ठीक पे चवे तो शायद मुस्लिम लीग नून वट विजाने के लिए कुछ भी कोने चयू आए वट विजाने के लिए कुछ भी कोने लेकिन पीपल्स पार्टी के वही कुर्बानी देनी पवी बनस्बत बेन पार्टी के जो उन सिंध गवर्नमेंट है लेकिन इन वक्त तमाम पार्टियों इन शे मुतफिक छो तो जो वायदा थन्दा चौधरी बिरादरान के जरिए आया या अलिफ के जरिए आया या बे के जरिए आया कें भी वायदे के पानी न दिनों वो चाहे वो स्पीकर चाहे स्पीकर जो इंतखाब हो डिप्टी स्पीकर जो इंतखाब हो सदर पाकिस्तान जो इंतखाब हो सेनेट चेयरमैन जो इंतखाब हो हर जगह से को न को पत्तो हलो वो अपोजिशन के वेढ़ाए कर फायदो हासिल किया वो लेकिन इन वक्त अपोजिशन मुतहिद है अपोजिशन के वेढ़ा नो वे वेढ़ाए नो सकते इन वक्त अपोजिशन तमाम ऑप्शंस के सामू रखी करे तमाम सियासी जमातों के सामू रखी करे मुनफद रहमान पीडीएम जो सरबराह जरूर है लेकिन मौना साहब को भी अड़ो फैसलो नो कर चाहे जो फैसलो तने तन्हा है अकेलो हो जाए यकीन अकेलो आजादी मार्चो बाकी पीपल्स पार्टी बाकी पार्टी मोरली तौर से सपोर्ट कई इन वक्त चूंकि अस बाकी पार्टी से गड आयो सरबराही अस वट है तो असि बेन पार्टी के बुधनो भी आ उन व्यूज भी वा जो सियासी हिकमत अमली के तरीकेकार के भी सामू रखो उनका ही फैसलो करो समझा तो पीडीएम कोई भी इन वक्त तीन लॉस ना किया पीडीएम की तहरीक इन नक्शते मजबूत है जो तुम वजीर के ऐसो पीडीआई जे हर रोज उन फौज दर फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीएम के खिलाफ उन प्रेस टॉक्स बुधाइन था तो हुकूमत बौखलाहट शिकार है हुकूमत पीडीएम का खौफजद है पीडीएम पांजे सियासी समत में जबरदस्त सफर करे रही है इंशाल्लाह इन सफर के अवाम कामयाबी से पीडीएम अवाम के खुशखबरी दी तो जरूर इंशाल्लाह। अच्छा बेग साहब आप थोड़ा सा बताइएगा जाहिर है एक तो मामला खट्टी साहब ने बता दिया कि जो वो लोग थे जो करीब थे वो अब जेलों में हैं और वहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से बात बन जाए जाहिर मुलाकातों का भी एक सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ ये 20 सितंबर से लेकर अब तक जो पीडीएम की तहरीक चली है ज़ाहिर इसकी शुरुआत हमने देखी एक अगस्त में हमने देखा अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर थी फेटेप पर बातचीत हुई नए तरामीम सामने आई फिर ये फैसला हुआ कि अब नहीं टफ टाइम देना है हुकूमत को। क्या ये पूरा मामला वाकई जैसे हुकूमत बात कर रही है कि अगर उस वक्त वो तरामीम ख़त्म हो जाती या फिर कल के सेनेट सेशन में जो कुछ बातचीत हुई अगर वो सब कुछ हो जाता तो फिर आज हम पीडीएम भी ना देखते। देखिए जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी ये कहा है कि पीडीएम जो है अभी एक इत्तेहाद नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक तहरीक बन गई है और अब अगर कोई भी पार्टी इसके अंदर बैकआउट करती है तो उसका उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा पब्लिक की तरफ से चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो। और मेरे ख्याल से बड़ी मीनिंगफुल जिस तरीके से इसमें जो चीज़ डिसाइड हुई थी उस पर जा रहे हैं तारीखों पर थोड़ी सी डेफिनेटली हो सकता है कि ये चीज़ पहले कर लो बाद में कर लो और इसमें तेज़ी भी आती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो जलसे अभी हुए हैं चाहे वो लड़काना में हुआ हो चाहे वो बावलपुर में हुआ हो और जगह पर हुआ हो आप देख रहे हैं कि लोग कि उसके अंदर और देखिए इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं अब जो क्राउड वहाँ पे जमा होता है जो महंगाई से तंग हैं जिनके साथ परेशानियाँ हुई हैं जो जॉबलेस हो गए हैं। आपको पता है कि गुर्बत में इस 2.5 सालों में 10% वो लोग जो गुर्बत की सतह है उससे नीचे अंदर आ गए हैं और हुकूमत ये बड़ी बड़ी वादे कर रही है। इस बार हमारी पाकिस्तान की जो GDP थी वो -4 पे आई है और इस साल हमारी GDP जो है पाकिस्तान अगेन जो है माइनस की तरफ जा रहा है और ये सरसब बाग जो दिखाए जा रहे हैं लोगों को कि अब दोबारा जॉब्स मिल जाएंगे आपको और दोबारा चीज़ें हो जाएंगी और फलाना हो जाएगा ये सब क्योंकि देखिए हुकूमत इज़ नॉट कैपेबल
ऑफ रनिंग जिस तरीके से एक हुकूमत को चलाया जाता है, कब तक आप ये कहते रहेंगे लोगों को कि आप जी लूटी हुई दौलत को हम ला देंगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और तमाम जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही है हमारी खारजा पॉलिसी, ये देखिए कि वो कंट्रीज़ जो हमारे से बड़े क्लोज थे, सऊदी अरब का आप नाम ले लीजिए, यूएई का नाम ले लें, आपको पता है हबीब साहब के वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं हमारे, जो कि एक बहुत बड़ा लहमा फिक्रिया है, मतलब कि अगर खुदा न खासा ये लोग आते हैं तो हमारी रिमिटेंसेस जो हैं वो भी जो होंगी। चाइना भी हमसे खुश नहीं है क्योंकि सी पैक के बारे में बात की जाती है, मगर हुकूमत के पहले जो वजीर थे उन्होंने साफ ये कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रिविज़िट करेंगे और इसको हम डिले करेंगे। तो हो ये रहा है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो मईशत को देख लें, खारजा पॉलिसी को आप देख लीजिए, आप सी पैक को देख लें, एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, तो हर चीज़ का जो असर पड़ रहा है और ये 2.5 साल इस चीज़ को हो गए हैं, तो डेफिनेटली हर आदमी जो है वो तंग आ गया, हुकूमत से तंग है और ज़ाहिर है उस तरफ ही आप इशारा कर रहे हैं। आप खटी साहब आवाम बुधाए जो जेका हिन वक्त सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, हिक भेरो ॿीहर नेब वारो मामलो काल वारे सेशन में भी असां ॾिठो सी, अॼु बि उन ते कुझु ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उहो बि साम्हूं अचे पियो, ऐं हुकूमत जो इहो चवणु आहे अगरि हू उहे 34 तरमीमूं कनि हा त शायदि ही जमातूं एतिरो अॻिते न वधनि हा ऐं मामला ओसि ताईं सेटल थी वञनि हा। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं कुझु पीपल्स पार्टी खे रिलीफ बि मिलिया ऐं उन तरह जी सूरत हाल बि पैदा थी। चवां सम्झो पिया त वाकई उहा जाइ हुई या उतां ई सॼो मामलो शुरू थियो, ख़ासि करे नेब जे कानून में जेके तरमीमूं अपोज़िशन चाहे पियो इख़्तिलाफ़ थिया उन खां पोइ ई सभु कुझु थियो आहे। महाराज मुंहिंजो ख़्याल इहो आहे त नैब जे कानून जे हवाले सां हाणे अपोज़िशन खे ज़रूरत न आहे त उनमें तरमीम अची, छाकाणि त उनजा जेके बि लीडर हुआ समूरा गिरफ़्तार थी चुका। मुंहिंजो ख़्याल आहे त बस में हाणे मौलाना फज़ल रहमान साहब ते छॾियो अथनि, जंहिंजे लाइ उनजी जमायत वाज़े तौर ते मज़ाहमत जो ऐलान करे छॾियो आहे, जंहिंजे करे हुकूमत उनमें अॻियां न पई वञे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रहे त नैब वारो मामिलो जेको असांखे नज़र अचे थो, मुमकिन आहे सेनेट मां को आउटपुट अपोज़िशन खे मिली वञे, कुझु कमेटियूं ठही वञनि ऐं उन मां इन ॻाल्हि जा इम्कान आहिनि त नैब जा ऑफिसर्स उन जूं डिग्रियूं जेके आहिनि उहे चेक थींदियूं, उनखे कंहिं भर्ती करायो उनजी जांच थींदी, ऐं जेके मुतासिर आहिनि, ख़ुदि मूंखे डिप्टी चेयरमैन सनी माडीवाला साहबु ॿुधायो त मुख़्तलिफ़ माण्हू मूं सां राबता कया हुआ, ऐं तव्हांजे हिन प्रोग्राम में हिकिड़ो ॿियो तव्हांखे इंतिशाफ़ करिया, मूंखे ख़ुदि सनी माडीवाला ॿुधायो त नैब चेयरमैन जो जेको स्कैंडल आयो उनमें जेका खातून हुई उन ख़ुदि डिप्टी चेयरमैन सां इहो राबितो कयो, उन चयो त आउं पाण कमेटी जे अंदरि शामिलु थियणु चाहियां थी, पंहिंजो रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड कराइणु चाहियां थी। त हीअ उहा सॼी सूरत हाल आहे, पर असल में ॾिसण जी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ हुकूमत जेका आहे उनखे पीडीएम एतिरो नुक़सान कोन ॾिनो आहे जेतिरो हुन पंहिंजे पाण खे नुक़सान ॾिनो आहे। मक़सदु इहो आहे त हिन वक़्तु ताईं पीडीएम जी तहरीक सेप्टेंबर खां शुरू थी, उन दौरान हिन हुकूमत खे मुख़्तलिफ़ स्टेप खणणु घुरिजनि हा, आवाम खे को रिलीफ ॾियणु घुरिजे हा, पर उनजे बावजूद महांगाई में घटिताई नथी थिए, दवाउनि में रिलीफ नथो मिले, खंडु को एतिरी को जदी जेको हूंदो रेट हो उते वापसि कोन आई आहे, अटे जो अघु कोन आयो आहे, सब्जियुनि जा अघु पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि, त आम माण्हू खे को रिलीफ हुकूमत नथी ॾेई सघे। त पीडीएम जी तहरीक पंहिंजी जाइ ते, पर असल में हिन पंहिंजे जेका हुकूमत जी परफॉर्मेंस उन लाइ पीडीएम खां वधीक मैटर करे पई। खटी साहब क्विकली इहो ॿुधाइजो, छा इहे सभु ॻाल्हियूं जेके अवां असां कयूं पिया या जेके असांखे नज़र अचनि पियूं, छा इस्टेब्लिशमेंट खे बि इन्हनि शयुनि जो अंदाज़ो थियो आहे हिन वक़्त ताईं, जेको अपोज़िशन इल्ज़ाम मणे पई त अगरि इस्टेब्लिशमेंट हथु कढे त हीअ हुकूमत हिकु ॾींहुं बि न हली सघंदी, उहो अंदाज़ो थियो आहे घटि में घटि? महाराज असल में हिन जो तारीख़ी तौर ते वेझी तारीख़ जो जाइज़ो वठो त पाकिस्तान में ॿ वॾियूं जमायतूं हुयूं, मुस्लिम लीग डोन ऐं पीपल्स पार्टी, जिन मीठा खे जमहूरियत ते साइन कई। उनखां पोइ इमरान ख़ान जी सूरत में हिकिड़ी नई सियासी कुवत साम्हूं आंदी वई ॼाणी वाणी, इन करे त हुननि ॿिन्हिनि पार्टियुनि हिक ॿिए खे स्पेस ॾिनो जी पोलिटिकल कल्चर डेमोक्रेटिक कल्चर ताक़तवर थिए। इमरान ख़ान बुनियादी तौर ते जिन ते पुलनि ते चढ़ी आयो उन अल्टीमेटली सियासत खे एतिरो नुक़सान ॾिनो आहे जो आम माण्हू जे साम्हूं इहो चयो वञे थो, छाकाणि त ॿ जमायतूं हुनखे चोर डाकू करे हिननि पेश कयो, इमरान ख़ान का पंहिंजी कारकर्दगी न ॾेखारी। आम माण्हू बि आॾो इहा ॻाल्हि आई आहे त सियासतदान त
सब नाइल हाँ नाइल है हाँ इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें मसलो यो है तो इस्टेब्लिशमेंट बिनी जमायतन के दीवार से लगाने में इमरान खान जो भरपूर साथ दिनों हाँ उन जिला मसलो यो है इमरान खान में फौरी हद की कटे चाकार तो वो डायरेक्ट पान इन पोजीशन में ना है तसी पावर में जारा हाँ ने आंगनी भी उन्हें दाई खजन पे खट्टी साहब की गाल में खट्टी साहब जो चयो तो मानुन जो सियासी जमातुन ता एतमाद उठंदो पियो वने पहिरियों वारनि सियासी जमातुनि जे इख़्तिलाफ़ जे करे ऐं हाणे वारी हिन हुकूमत जी कारकर्दगी जे करे माण्हू सियासी जमातुनि खां मुतनफ़िर पिया थियनि मां हिन शइ सां इख़्तिलाफ़ कंदुमि मां सम्झां थो त माण्हुनि जो सियासी जमातुनि ते एतमाद वधे पियो पहिरियों दफ़ो मुल्क जी तारीख़ में बहसियत सियासी हिकु शागिर्द जे मारे सां पियो त जेतिरो इस्टेब्लिशमेंट निर्वार थी करे मंज़र आम थी आई आहे हिन खां पहिरियों शायदि करे आई हुजे अॼु हिकु हिकु ॿार सम्झे पियो त हीअ हुकूमत जी डुगडिगी किथां पई वञे ऐं असांजे पीडीएम जा जलसा हिन शइ जा गवाह आहिनि माण्हुनि जी शिरकत इन शइ जो मज़हर आहे त अवाम जंहिं तरीक़े सां जंहिं नहज ते जोक तर जोक पीडीएम जे जलसे में शरीक पियो थिए इहा इन शइ जो सबूत आहे त अवाम सियासी जमातुनि सां वधीक जुड़े पियो ऐं अवाम सियासी जमातुनि ते एतमाद पियो करे नासिर साहब क्विकली इहो ॿुधाए जो महराज मुंहिंजो असल में चवण जो मक़सदु इहो हो कोशिश कई वही है दीवार से लगाए तो ये सब जमातू करप्ट है पीपल्स पार्टी हुए या नून लीग हुए बार बार ये गाली अचो गिरफ्तार करो जो कुछ करो चुको यूएफए मुख्तलिफ छुपी नजर अचे समझा तो पहिरें ॾींहं खां जीअं हुकूमत खे क़बूल नाहे कयो इमरान खान जी हुकूमत खे तस्लीम नाहे कयो तीअं जमीयत उलमा इस्लाम नैब खे तस्लीम नाहे कयो हाणे न नवाज़ शरीफ़ जे दौर में असां इतिहादी हुआसीं उन वक़्तु बि चयोसीं त हे सियासी इंतकामी इदारो आहे परवेज़ मुशरफ़ जी पैदावार आहे हिनखे ख़तमु कयो वञे असां इहो ई मुतालबो पीपल्स पार्टी जे बतौर इतिहादी जे जमीयत उलमा इस्लाम रखियो असां पहिरें ॾींहं खां नैब खे न तस्लीम कयो आहे न नैब जे कंहिं नोटिस खे तस्लीम करण जे लाइ तयारु आहियूं न नैब जे कंहिं प्रेशर में अचण जे लाइ तयारु आहियूं ॿियनि जमातुनि शायदि नैब खे तस्लीम बि कयो उन्हनि जे नोटिस खे क़बूल बि कयो ऐं नैब वटि वञी नैब वटि वञी पेश बि थिया असां जॾहिं नैब खे तस्लीम कोन कयो आहे त नैब वटि वञण जो त सुवाल परे जी ॻाल्हि आहे मौलाना फज़लुर रहमान खे नोटिस मोकिलण जी नैब में ज़रूरत ई कान्हे पर जेकॾहिं नैब मौलाना फज़लुर रहमान खे नोटिस मोकिलियो त मां ॾिसंदो त जमीयत उलमा इस्लाम जो अवाम मौलाना फज़लुर रहमान सां गॾु लखनि जे तइदाद में नैब जे दफ़्तर जे ॿाहिरां हूंदो पोइ सिर्फ़ु हुकूमत जी ऐसी की तेसी न पोइ नैब की बि ऐसी की तेसी थींदी छो त असां नैब खे इदारो नथा सम्झूं असां नैब खे सियासी इंतकाम जो इदारो सम्झूं था ऐं असां सियासतदाननि जे ख़िलाफ़ नैब खे हिकु हथकंडो इस्तेमालु कयूं था की केतिरा फॉरेन फंडिंग जो केस पेंडिंग पियो आहे उहो छो न पियो हले इलेक्शन कमीशन जे ॿाहिरां त इनजे करे पिया वञो त फॉरेन फंडिंग जे केस खे तव्हां ताला छो लॻाया आहिनि उन्हनि फाइलनि खे तव्हां सख़्त खाने में छो विधो आहे सिर्फ़ु केस खुलंदा अपोज़िशन जे रहनुमाउनि जा सिर्फ़ु केस खुलंदा अपोज़िशन जे जमातुनि जा हुकूमत में जंहिंमें तव्हां हलिया वञो हाणे ई तव्हां पीपल्स पार्टी खे छॾियो नून लीग खे छॾियो जयूआई जे ख़िलाफ़ तव्हां बग़ावत कयो शेरानी साहब बग़ावत करे त तव्हां सभु ज़मज़म में धोतल पर जेकॾहिं तव्हां पीटीआई पीपल्स पार्टी में आहियो नून लीग में आहियो जयू में आहियो त तव्हां गद्दार आहियो हीउ दौरो मयार न हलंदो नैब जे ज़रिए हाणे शायदि धमकाइण वारो उहो दौरु ख़तमु थी चुको आहे जमीयत उलमा इस्लाम नैब जे उन प्रेशर खे ख़तमु करे चुको आहे ख़तमु करे छॾियो आहे हाणे शायदि नैब जो उहो असरु नाहे रहियो जॾहिं खां उन्हनि मौलाना फज़लुर रहमान खे धमकाइण जी कोशिश कई आहे जॾहिं एहतजाज थिया पेशावर वारो मामिलो थियो त उन खां पोइ थोरो वधीक मामला ख़राबु थिया बेक साहबु आप बताईंदा इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं यूएफए की इस हवाले से कि मौलाना साहब को नोटिस मिलेगा एक तरफ तो हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के काफिले में ख्वाजा आसिफ साहब आ रहे हैं एहसन इकबाल साहब के घर से और फिर वहां से वो गिरफ्तार हो जाते हैं दूसरी तरफ अगर उठ खड़े हो जाते हैं तो नैब भी कुछ नहीं कर पाते देखिए पहली बात तो मरियम साहिबा ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है मतलब इसको और बड़ी सख्त लफ्जों में उन्होंने ये कहा है कि ये आपको छोड़ना पड़ेगा आसिफ साहब को जिस तरीके से और जैसे मेरे बड़े भाई अभी नैब के बारे में कह रहे थे देखिए नैब के बारे में फॉरगेट अबाउट एनीथिंग उसको तो इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा बनाया जा रहा है और जिस तरीके से आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आपने पकड़ना है उसको लेके आप डाल दिए एक एक साल से लोग अंदर हैं मीर शकील को भी देखें आपने क्या हुआ हमजा को देख लीजिए क्या हुआ अब शाहबाज का हो गया अब इनका हो गया तो मेरे ख्याल से मैं एग्री करता हूं कि मौलाना साहब को अगर नैब बुलाती भी है तो इन्हें नहीं जाना चाहिए अच्छा इसमें क्या अब गलती का मुकम्मल तौर पर एहसास हो चुका है अपोजिशन को कि उस वक्त खत्म नहीं किया गया और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए देखिए बात इसका नहीं है कि हम
में एहसास हुआ इस चीज़ का, जिस तरह अब यूज़ किया जा रहा है इदारे को और इदारे के सरबराह को देख के कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरगेट अबाउट के ये जो केस था हमारा इनका ख्वाजा आसिफ उसका जो था उनके उस केस के अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं साद रफीक के अंदर, कितने सख्त रिमार्क्स दिए हैं उनको। एक बार नहीं हुआ है, कई बार है। और कल मेरा इस पर कॉलम आ रहा है कि अभी नैब की वजह से मुल्क हुकूमत को ख़जाने को 6.5 अरब रुपए का टीका हमको लग गया है, मतलब एक पैसा बाहर से नहीं आया। अब फिर लोगों को सरसब्बा दिखा दिया जाता है और देने पड़ गए हमको। तो मेरे ख्याल है कि नैब को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, रुक जाना चाहिए। खट्री साहब अवां जो इनमें क्विकली यो बुधाए जो था आप जेको नैब वारो मामलो असाके एक भेरो बीर हलंदे नजर अचे पियो, इनमें आप केतरी संजीदगी अवां के नजर अचे पई त हाणे हुकूमत के भी शयन जो एहसास थी चुका है। जे अवां पारां बुधाए वियो त ज़ारा हाणे अपोजिशन जे जमातुन जो गिरफ्तारियों त असां ॾिठियूं सी, पर हाणे हुकूमत जो वारो भी अचण वारो आहे। जे इलेक्शन कमीशन जे ॿाहिरां एहतजाज जी ॻाल्हि थिए पई, फॉरेन फंडिंग केस समेत ॿिया मुख़्तलिफ़ मामला, त छा हाणे हुकूमत खे इन शइ जो अहसास थियो आहे त इन मां कुझु तरमीमूं कयूं वञनि या ख़तमु कयूं वञनि? हुकूमत खे को बि अहसास कोन्हे ऐं हुकूमत तरमीम करण लाइ तयारु कोन्हे। हिकु ई फॉरेन फंडिंग केस अकेलो ई अहिड़ो केस आहे जेको इन सॼी हुकूमत खे लोड़े वेंदो, पर उन सां गॾो गॾु तव्हां ॾिसो न फैसल बावरा जो केस आहे मिटी शहरियत जो, उन ते जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन फ़ैसिलो करे त देरी कोन थींदी। इलाही केस आहिनि हाणे इन्हनि जो मूल तव्हां जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट बैक थी आहे ऐं जेकॾहिं हिन तां हथु खणे थी हुकूमत तां, त अकेलो फॉरेन फंडिंग केस जेको आहे उहो पानामा साबित थी सघे थो। हा, देरी कोन थींदी। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अवांजी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नासिर साहब अवांजी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु हिकु पासे खां तहरीक हलंदड़ आहे, ॿिए पासे खां कुझु तब्दीलियूं थींदे बि असांखे हफ़्ते खां नज़र अचनि पियूं। ख़ासि करे जेके मामला आहिनि एस्टेब्लिशमेंट बि कंहिं तरीक़े सां अॻिते वधे पई ऐं उहा चाहे पई त मामलनि खे हल कयो वञे। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज बि खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगरबान।